मैं प्रदीप बैद, आसाम बोंगाईगांव से। मेरा ये 2019 को जस्ट गैस की कोई प्रॉब्लम थी या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग गए थे AIG हॉस्पिटल में। वहाँ पे 5-7 दिन डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका ब्लॉकेड है और अप्रोक्स 92-99%, और आपको 4 से 5 ये एंजियोप्लास्टी स्टंट लगाने पड़ेंगे या बाईपास करना पड़ेगा। फिर हमने वहाँ किसी तरह वहाँ से बच के आए हम लोग दिल्ली। दिल्ली आने के बाद मैंने एस्कॉर्ट में भी दिखाया और गंगाराम में और अपोलो में और अग्रेशन हॉस्पिटल में, सब में दिखाए। तो 3 से 4 स्टंट, 3 से 4 जगह सब बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए। सबने बोला 2 से 3 या 4 स्टंट या 5 स्टंट लगेंगे आपके। फिर कोइंसिडेंसली सर का पता चला मेरे को बिमल जी छाजेड़ के बारे में, और यहाँ पे फिर आया। तो मैं डरते डरते आया कि क्या होगा नहीं होगा, तो फैमिली और सब यहीं आ गए थे, बच्चे लोग भी आ गए थे, तो दिल्ली में ही हमने रह के इलाज कराया इनका। तो डरते डरते कि किस तरह रहेंगे नहीं रहेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। क्योंकि हम लोग को और कुछ 40 दिन नहीं का हम लोग यहाँ पे पूरा कोर्स किया मैंने, थैंक्स टू डॉक्टर साहब और इनकी टीम, प्रीतमपुरा की टीम। डॉक्टर सुरेंद्र जी है वहाँ पे, उसने भी बहुत सहयोग किया, बहुत हिम्मत रखा। और 40 दिन मैंने कोर्स करने के बाद, अप्रैल में आने का प्रोग्राम था, उसमें ये लॉकडाउन आ गई, तो मैंने वहाँ पे भी बिना जीरो ऑयल में खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल 70% इंटेक किया और दवाइयाँ चली। लेकिन वॉकिंग मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा रखी और मेडिटेशन मेडिटेशन और एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 घंटा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था, 1 घंटा मेडिटेशन और दवाइयाँ थी। लेकिन ऑयल एकदम यूज़ नहीं किया मैंने, ड्राई फ्रूट्स एकदम भी नहीं खाया, दूध एकदम लास्ट 4 महीने एकदम दूध बंद कर दिया मैंने, दूध का प्रोडक्ट्स जो भी है वो टोटल बंद कर दिया था। और 90% की जो रिपोर्ट है आज मेरी ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास आ गई मेन में, जो 90 थी, और जो एंसिलरी थी वो 99% थी, अभी मोटा मोटी 70% आई है। तो ये ये सीटी मैंने एंजियोग्राफी कौन से डेट को कराया आपने? सीटी एंजियोग्राफी मैंने कराया 15 तारीख को, 15 फरवरी, 15 फरवरी 2021 को। और पहला वाला एंजियोग्राफी वाली कराई थी मैंने 17 दिसंबर 2019, वो AIG में कराई थी, गुवाहाटी में, नहीं हैदराबाद। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब को भी दिखाया, और लोग बोले कि आपको इमीडिएटली लगाना पड़ेगा 4 से 5 स्टंट। लेकिन वहाँ से हम दिल्ली आ गए, यहाँ पे भी सब हॉस्पिटल में यही बोला गया कि नहीं, आपको 3 से 4 स्टंट तो मिनिमम लगना है। लेकिन हिम्मत रखा, फैमिली वाले ने सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट, भाभी का, भैया का, सबका सपोर्ट रहा, और सब ने मेरे को एकदम फ्री कर दिए थे, बोला नहीं लाइफ को ठीक करना है, हम लोग एक सब कुछ देखेंगे, अगर कुछ होगा बाद में बिजनेस को भी मैंने थोड़ा अपना हिसाब से फिर देखते रहा। बिजनेस भी मैंने पूरा कंट्रोल में अपना रखा, काम को, काम में भी कोई कमी नहीं रखा। आपकी शुगर वगैरह कुछ थी? शुगर मेरी जो थी उस समय दिसंबर में जब मैंने वहाँ कराई थी वो 9 थी 3 महीने की, और फास्टिंग मेरी 140-150 रहती थी, और PP मेरी 200 के आसपास रहती थी। वो घटते घटते 8.5 8 सेवन सेवन आ गई थी, 6.5 आई थी, फिर 6 आ गई, फिर मैंने टोटल मेडिसिन बंद कर दिया जब 5.9 आ गई थी। उसके बाद में लास्ट 4 महीने में मेरी घट के 5.2 आ गई थी, 10 दिन पहले मैंने कराई थी आसाम में, और परसों 3 दिन मैंने 14 तारीख को मैंने कराई यहाँ पे, 15 तारीख को डॉक्टर लालपेत के यहाँ पे, तो ओनली 5 आ गई। और विदाउट मेडिसिन? विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मेडिसिन। और हार्ट की मेडिसिन? हार्ट की मेडिसिन मेरी 2 चल रही थी, 40-40 मैंने ये अपनी 50-50 की 2 चल रही थी दिन में, वो भी घटते घटते अभी तो मैंने कोई मेडिसिन भी, मेरी आज के दिन में कोई हार्ट की मेडिसिन नहीं चल रही है। और गैस की मेरी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, 4-5 गैस की टेबलेट लेता था, आज के दिन में भगवान की दया से एक भी गैस की टेबलेट, एक खाली चल रही है छोटी सी हल्की। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई है वो भी नहीं के बराबर है, वो भी अभी कोलेस्ट्रॉल जो मेरा उस समय 250-300 रहता था, और ट्राइग्लिसराइड जो 200 रहता था वो अभी 86 आ गई, और ट्राइग्लिसराइड आ गई 66। और ये विदाउट मेडिसिन? विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं है आज के दिन में। मैडम आप जीरो ऑयल खिला बना रही हैं आजकल सब चीज? हाँ जी, मैं तो जीरो ऑयल बना रही हूँ, खाना वाना सब जो भी है। अच्छे से बन जाता है? हाँ एकदम, मतलब कोई टेस्ट का यहाँ हमने चला। कोर्स किया था आपने सर? हमने मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है तो वो भी जीरो ऑयल खाने लग गई आजकल, पूरी फैमिली ज्यादातर, भाभी भी, भाभी का भी वही खाना, वो सब जो बनाते हैं लंच भाभी रेडी करती है, ब्रेकफास्ट ये करती है, और डिनर मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ करती है। फर्क नहीं है ज्यादा, पूरा तेल में। और यहाँ फर्स्ट कोर्स हमने यही सीखा था आपके पास 24-25 दिसंबर को, मैंने 3 दिन हम लोग क्लासेस लिए थे, उसी दिन हम लोग जीरो ऑयल शुरू किया था यहाँ पे। और उसके बाद में ड्राई फ्रूट भी आज नहीं ले रहा हूँ, आपने जैसे बोला,
और आपका YouTube में डेली एक प्रोग्राम आता है वो मैं देखता हूँ, उसका मैंने उसमें जहां तक होता है मैं उसका फ्रूट्स खाना, हल्दी खाना, लहसुन खाना, जो हम लोग ये नहीं है फिर भी लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन एज ए मेडिसिन मैं उसको लहसुन भी शुरू किया, प्याज भी मैंने शुरू किया, और कच्ची हल्दी है या जो भी सर का आता है वीडियोस उसको लाइक करते रहता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, और ऑलमोस्ट 40-50 पेशेंट जो ऐसे है जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी आज के दिन में मेरे को माने मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है, अगर आप इतने डिओटीओ के कर रहे हैं तो हम लोग भी जरूर फॉलो करेंगे और शायद इस हार्ट की जो प्रॉब्लम है या जो स्टंट है या बाईपास है उसको हम लोग उसको हटाने का कोशिश करेंगे। तो यही है, बहुत अच्छी मरी रही डॉक्टर साहब का, जब भी सपोर्ट रहा, जब भी मैंने कोई भी इनको मैसेज दिया मेरे को हर समय सपोर्ट रहा, इनकी टीम का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, डॉक्टर इनके हैं सुरेंद्र जी, उनका तो मैं बहुत ही कायल हूँ, कभी भी मैं फोन करता हूँ हर समय फीडबैक अच्छी देते थे, प्रीतमपुरा में इनके सेंटर में मैं 40 दिन का कोर्स जो किया था बहुत ही सपोर्ट था, पूरी टीम का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है।